जेआईटी ने भोंडे तरीके से तफ्तीश की। एफआईआर होने से पहले जेआईटी तश्कील दे दी गई। इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई खुद साख्ता मुतासरा है। इमरान खान और जेआईटी ने मिलकर केस का रुख बदल दिया। इमरान खान के गार्ड को बचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुल्क के मुआशी और सियासी मामलात पर इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म तवानाई की सूरत हाल और पंजाब के उमूर पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। फौजी और दिफाई तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिपहसालार दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी, फौजी तआवुन और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका ने पाकिस्तान को करीबी सिक्योरिटी पार्टनर करार दे दिया। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एक बार फिर एतराफ। नेट प्राइस बोले पाकिस्तान वो करेगा जो उसके जाती मफाद में होगा। तालिबान यकीनी बनाएं कि दाएश, टीटीपी और अलकायदा से खित्ते को खतरा ना हो। और मस्जिद अक्सा तनाज़ा, अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने इजलास की अपील की थी। इसराइली वजीर के जूतों समेत मस्जिद अक्सा में घुसने पर दुनिया भर में गम गुस्सा है।